अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी तमाम प्यारी बहनें, मेरी तमाम आईटी फैमिली खैर व आफिया से होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब और बड़ी कमाल की रेमेडी लेकर आई हूं, और बड़ी एक्सपेंसिव सी रेमेडी हम बड़े सस्ते में तैयार करने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक हमारे साथ रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि आप में से ओले कौन कौन यूज़ करता है, और जो भी ओले को यूज़ करता है वो यकीनन इसका दिल दाता होगा, क्योंकि ये क्रीम ही बहुत लाजवाब है। लेकिन मसला ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मौजूदा महंगाई के दौर में हर चीज़ हमारी रेंज से दूर हो गई है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त ही और कमाल की ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अगर जिसको एक बार इस्तेमाल कर लेंगी तो आप भी यकीनन और एक क्रीम की तरह इसकी दिलदादा हो जाएंगी। और बाकी जितनी भी इस तरह की जो ब्यूटी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करती हैं, उस पर यही होता है कि आफ़्टर 4 वीक या आफ़्टर 1 वीक आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो इतनी लाजवाब और इतनी कमाल की है कि खड़े खड़े उसी वक्त ही आपको इसकी एक एप्लीकेशन से ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये रेमेडी आपकी स्किन की बिल्कुल ऐसे ही केयर करेगी जैसा कि एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे की करती है। बच्चे को सर्दी और गर्मी से बचाती है और उसकी हर तरीके से, हर मुमकिन हर तरीके से उसकी केयर करती है। तो सेम ये रेमेडी हमारी स्किन की भी ऐसे ही केयर करने वाली है। अगर आप एक बार इस रेमेडी को बना कर इस्तेमाल करेंगी तो आप यकीनन इसकी दिलदादा हो जाएंगी, और आप कभी भी इस रेमेडी को फिर छोड़ने वाली नहीं है। इसको हमने सिर्फ 3 अज़ा से बनाया है, जिसमें मेरे पास शहद है। शहद आपको थोड़ा ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये मेरे पास बिल्कुल खाली शहद है और 2 साल पुराना है। इसको मैं सिर्फ़ रेमेडीज़ के इस्तेमाल के लिए ही रखती हूँ। शहद के स्किन पर बेशुमार फ़वाद हैं, और साथ ही इसमें हमने शामिल करने हैं अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं कि जो कि हमारी स्किन को बहुत ही फ़ायदा देती हैं, और इसके इस्तेमाल से स्किन बहुत ज़्यादा यंग और फ्रेश नज़र आती है, और फौरन ही ये झुर्रियों को ख़त्म कर देती है और हमारी स्किन को नरिशिंग कर देती है। ये स्क्रीन पर आपको तैयार क्रीम नज़र आ रही है। तो अब चलते हैं इसको हम बनाने की तरफ। लेकिन यहाँ आपसे गुजारिश करती चलूँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक इस तरह की तमाम वीडियोस बआसानी पहुँचती रहें। अंडे की सफ़ेदी को हमने अलग निकाल लिया है, और इसको हमने बहुत अच्छे से फेंटना है। इसको फेंटने के लिए आप एग बीटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसको हमने बिल्कुल एक फ्लफ़ी झाग की सूरत में बनाना है। इसको इतना फेंटना है कि ये किस तरह हार्ड सी एक झाग सी बन जाए। अंडे का इस्तेमाल बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन बालों से बढ़कर ये आपकी स्किन को बहुत ही फ़ायदा देता है, क्योंकि अंडे में विटामिन ए की और डी पाया जाता है, और इसमें लेसिथिन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि स्किन की झुर्रियों को फौरन ही ख़त्म कर देता है, स्किन को नरिशिंग कर देता है और स्किन को रिपेयर भी करता है। तो हमने इसको इतना ज़्यादा फेंट लिया है कि ये बिल्कुल एक फ्लफी सा झाग बन गया। और इसमें अब हमने शामिल करना है जैतून का तेल 2 चाय के चम्मच, जितना हमने इसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालकर इसको साथ साथ फेंटते जाना है। एकदम से जैतून का तेल डालकर आप इसको नहीं फेंटेगी। तो ये तीनों अज्जा स्किन के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इनको इस तरह यकजा करके लगाया जाए तो इसके स्किन पर इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं कि इसके बाद आपको किसी किस्म की और क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये स्किन को फौरन ही टाइट कर देती है, स्किन की झुर्रियाँ तो एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, और इसका प्रॉपर इस्तेमाल से आपको स्किन के और भी बहुत सारे मसाइल से निजात मिलने लग जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी झाग बनाकर किसी कंटेनर में सेफ़ रख लें, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा ये क्रीम निकालें, इसमें अंडे की जर्दी शामिल करें और थोड़ा सा शहद शामिल करके एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लेप कर दें। आप चाहें तो सारी रात भी इसको अपने फेस पे रख सकती हैं, हाथों पर लगाएँ, अपने फेस पर लगाएँ, ये फौरन ही आपकी स्किन को फ्रेश कर देगा। सर्दी और गर्मी दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और गर्मियों में आप इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये आपको ओले क्रीम की तरह ही आपकी स्किन को रिज़ल्ट देने वाली है, और आपकी स्किन की केयर करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी।